दिन में नज़ारे चलते हैं, रात में इमोशंस और वाइब्स चलती हैं रास्ते में। और ये पहली राइड है जिसमें हम कंटिन्यूसली पिछले 12 घंटे से बारिश में ही बाइक चला रहे हैं। बहुत सुना था कि बारिश में महाराष्ट्र बहुत सुंदर हो जाता है, आज देख लिया भाई आंखों से। तो भाई अभी काफी जद्दोजहद के बाद फाइनली ये पता चला है कि हम नहीं जा सकते अभी आगे। मंजिल दूर है तो आज थोड़ा और भाग लो, रास्ता लंबा है तो एक रात और जाग लो। चार दिन की ही है जिंदगी तो जो करना है कर लो, ये दिन फिर ना आएंगे ये बात मान लो। खाएंगे वड़ा पाव, वड़ा पाव। स्विगी वड़ा पाव इन गुड़गांव। फाइनल ऑर्डर डन। यूहू। थैंक यू। अच्छा एक सवाल है, जवाब दोगे? ये बताओ सबसे बढ़िया वड़ा पाव कहाँ मिलता है इंडिया में? इंडिया में? हाँ, एनी गेस? महाराष्ट्र में कहाँ? मुंबई। क्या कहते हो, खाने चला जाए? जवाब दो हाँ या ना में। चले अभी जस्ट एक घंटे में चले, बताओ हाँ या ना। चले डन है? तो भाई यहाँ से शुरू होता है अपना दिल्ली से मुंबई तक का नॉन स्टॉप सफ़र बजरंगबली के नाम के साथ। जय बजरंगबली। इतना एक्साइटमेंट समझ नहीं आ रहा कहाँ से आपसे बात मैं स्टार्ट करूँ। सबसे पहले तो टाइम बताते हैं आपको कितना लगने वाला है। एक दिन दो घंटा मैप अभी दिखा रहा है, यानी कि 26 घंटे अराउंड। और दिल में इतनी खुशी जिसका मतलब मैं बयान नहीं कर सकता। ट्रिप मीटर ज़ीरो कर लिया है, सब कुछ सेट कर लिया है, बस रॉकेट की तरह अपन निकलते हैं। थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि इस बार जिस रास्ते से हम लोग जाने वाले हैं ना, वो बिल्कुल नया रास्ता है। वैसे तो जनरल जो रास्ता है दिल्ली से गुड़गांव तक का, वो राजस्थान जयपुर होते हुए फिर आगे गुजरात होते हुए वडोदरा और फिर वहाँ से जो है मुंबई पहुँचता है। लेकिन अपन जाएंगे बिल्कुल दूसरे रूट से, यानी कि आगरा मुंबई हाईवे से। पहले अपन यहाँ से चलेंगे पलवल, उसके बाद अपन जाएंगे मथुरा, आगरा, ग्वालियर, गुना, इंदौर, उसके बाद नासिक और फिर फाइनली मुंबई। बिल्कुल नया रास्ता है, अपने को भी फुल मजे आने वाले हैं। और हाँ, अपन अकेले नहीं जा रहे हैं, इस बार सोलो राइड नहीं है, अपने साथ अपने विनय भाई भी चल रहे हैं। तो विनय आगे मेरे को पलवल पे मिलेगा, वो फरीदाबाद से आएगा, मैं यहाँ से जाऊँगा, तो आसानी रहता, नहीं तो उसको उल्टा आना पड़ता। और भाई राइड स्टार्ट होने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, खूब सारे लाइक करना। मतलब जितना आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे ना, उतना वीडियो वायरल होगा, मेरे को हेल्प मिलेगी, मेरे चैनल को हेल्प मिलेगी आगे बढ़ने में। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग सपोर्ट दिखाते हो यार, सब्सक्राइब करते हो। और हाँ, एक बात जरूर बोलूंगा इस बार यार, आप लोग ना इंस्टा पे जरूर फॉलो कर लेना यार। यूट्यूब पे अपने इतने फॉलोवर हो गए, सब्सक्राइबर्स हो गए, इंस्टा पे अभी बहुत कम फॉलोवर्स हैं। ये मेरा इंस्टा हैंडल है नीचे, जरूर कर लो फॉलो, कर लेना जरूर ध्यान से भाई। मेरे को नहीं पता, अगर अकाउंट नहीं है तो अकाउंट बना लो, बट करना है तो करना है। बस पर्सनल बातें यहाँ से खत्म, अब राइड की बातें यहाँ से स्टार्ट। बाकी और बताओ भाई लोग, मौज चल रही है नहीं चल रही है? मौज चलती रहनी चाहिए, बाकी कुछ चले ना चले। और भाई अपनी इस नॉन स्टॉप राइड के लिए बोलना तो पड़ेगा, टिल नाउ जर्नी जस्ट वाव। और आप लोग साथ बने रहना, अभी तो इतनी बढ़िया वाव बनाएंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं है। हाय 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 हाय, बाइक पे बैठते ही ना सब दुख दर्द दूर। एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए, एक ऐसी हॉबी आपकी, एक ऐसा कोई चीज़ आपका जो करते समय आपको ना बहुत खुशी मिले। सबके लिए अलग अलग होता है, किसी को गेम खेलने में अच्छा लगता है, किसी को बैठ के किताब पढ़ने में अच्छा लगता है, अपने को भैया ये चाहिए। एक बार अपने हाथ में जब 100 हॉर्स पावर लग जाते हैं ना, फिर अपन चीता है। वो कहते हैं ना, हमारी तैयारी कितनी भी पूरी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, होता वही है जो तकदीर में लिखा होता।
ये खड़े हैं विनय बाबू। वड़ा पाव तो खाने चलना पड़ेगा, अब जान लो, बोल दिया तो बोल दिया। जब वड़ा पाव खाना है तो फिर भाव नहीं खाना है, चलना है भैया। फाइनली अपन मिल चुके हैं विनय से, और 50 किलोमीटर दूर थे यार विनय, मेरे को आइडिया नहीं था, है ना विनय? मेरा पंगा तो बहुत छोटा था, तुम्हारा पंगा तो बहुत बड़ा हो गया भाई, ये तो बहुत ही दिक्कत वाली बात हो गई। एटीएम के रेडिएटर से आप देख रहे हो, ये देखो कूलेंट लीक होने लग गया यार, काफी तेज, वो भी देखो इतनी देर में पूरा ये बह गया। लेवल देख रहे हो कूलेंट का, ये मैक्सिमम पे था, यहाँ पे आ गया, ये तो बहुत ही भारी समस्या हो गई यार। ये फिंस इतनी पतली पतली होती है ना विनय, पता नहीं चलता कहाँ से लीक। स्टार्ट करो एक बार, देखो जैसे ही स्टार्ट करेंगे ना अभी निकलना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, ये देखो धीरे धीरे निकलने लगा, ये देखो टपकने लगा, तो भाई बहुत तेज टपक रहा है, मैंने फुल स्पीड में टपक रहा है तो। अब क्या करें, राइड शुरू होते ही भयंकर पंगा। ये तो मैंने इमेजिन नहीं किया था ना। तो भाई अभी काफ़ी जद्दोजहद के बाद फाइनली ये पता चला है कि हम नहीं जा सकते अभी आगे, तो अपन वापस जाएंगे। रात का हो गया टाइम 11, सर्विस सेंटर बंद है और रेडिएटर लीक है, तो बिना कूलेंट के तो बाइक चल नहीं सकती। तो अपन वापस चलते हैं और कल फिर मिलेंगे आपको, बाइक ठीक करा के चलेंगे मुंबई नॉन स्टॉप। लो भाई अपन फिर से निकल लिए दूसरे दिन के सफ़र पे, उतने ही जोश और उतने ही खुशी के साथ। कोई ना, परेशानियां आती हैं बट आती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपना काम नहीं रुकेगा। तो अभी क्या है, मुंबई से पहले अपन चलेंगे फरीदाबाद, क्योंकि फरीदाबाद पे विनय की बाइक ठीक हो रही थी, मैंने सोचा मैं खाली बैठा था तो चलते हैं विनय से मिलते हैं चल के, और वहीं विनय की बाइक ठीक होते ही निकल लेंगे सीधा मुंबई के लिए नॉन स्टॉप। जर्नी अपनी नॉन स्टॉप ही रहेगी, भले ही कल ना पूरी हो पाई हो। आज फिर से वहीं जीरो पॉइंट से स्टार्ट किया, ट्रिप मीटर जीरो कर लिया, और फरीदाबाद यहाँ से है अराउंड 1 घंटे 2 मिनट। और बाइक विनय की रेडिएटर एक्चुअली ना दिल्ली से मंगाना पड़ गया, फरीदाबाद में था नहीं, तो रेडिएटर ही चेंज हो रहा है। तो चलो आप सीधा फरीदाबाद पे मिलते हैं। विनय को भी पता नहीं कि अपन आ चुके हैं। भैया ये गाड़ी के मालिक कहाँ हैं? अरे विनय जी आप तो मुंबई जाने वाले थे, आप मुंबई नहीं पहुंचे? कहाँ पहुंचे मुंबई यार, ये लंबी है। आया भी नहीं है? अच्छा, गुड़गांव से। टाइम हो गया एग्जैक्ट 3:30। विनय की बाइक बिल्कुल ठीक हो चुकी है, रेडिएटर उस पर बिल्कुल ब्रांड न्यू लग गया और कूलेंट भी भर गया। एनीवेज अपनी मुंबई की जर्नी अब स्टार्ट होती है। लो जी फिर से बोलते हैं जय बजरंग बली, छोड़ते हैं फरीदाबाद, इंटरकॉम फेल्ड, 3:30 बजे। अरे मुंबई का मैप तो लगाया ही नहीं, रुको रुको रुको, 25 घंटे 1369, 35 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुके हैं, यानी कि 1400 किलोमीटर अपन चलेंगे नॉन स्टॉप। चलो भाई जर्नी बिगिंस। देखो यार थक गए, परेशान हो गए, बट कोई फर्क नहीं पैंदा, चलना है तो चलना है। लो जी हाईवे पकड़ लिया, काफ़ी अच्छा लगा भाई हाईवे पकड़ के, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। अभी हम लोगों की बाइक्स में अराउंड 300 किलोमीटर का फ्यूल है, तो 150-200 किलोमीटर चलाएंगे, उसके बाद रोक के फ्यूल भरा लेंगे, क्योंकि भाई अभी भी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत क्या ज़्यादा, अभी तो पूरी ही पड़ी है। और अभी हमें कल 4:30 बजे पहुँचेंगे भाई साहब, ये हर नॉन स्टॉप राइड की स्टार्टिंग में ऐसा होता है, जब हम कहते हैं भाई कितना दूर है कितना दूर है, धीरे धीरे ही मंजिल पूरी होती है, ज़िंदगी की हो या रास्ते की हो। वैसे तो हम लोग बहुत आगे निकल गए होते बिना, अगर सब सही रहता तो, है ना, अब तक अपन इंदौर पहुंच चुके होते। हाँ सही, मैं इंदौर पहुंच चुके होते, इंदौर के आगे यहाँ कहीं बाइक खराब हुई थी भाई, रात में कूलेंट फैला था, कूलेंट तो दिखना रहा, सूख गया मेरे को लग रहा है, सूख गया भैया, इतनी गर्मी बंदा, इतनी गर्मी में बंदा सूख जाए कूलेंट तो बहुत बड़ी बात है। अरे हौसले नहीं टूटेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, जाना है तो जाना है, वड़ा पाव के लिए आपने बोला तो वड़ा पाव खाएंगे भाई, कितना भी भाव खा ले भाई। इस रोड में है ट्रैफिक अच्छा, मतलब हम लोग 9500 की स्पीड आप पकड़ पा रहे हो, बट उससे ज़्यादा अगर आप सोचोगे तो नहीं पकड़ पाओगे। मज़े आ रहे हैं भाई, 90 किलोमीटर हो गए अपने, 100 किलोमीटर होने ही वाले हैं। अंकल जी हमारी बाइक के बारे में पूछ रहे हैं, कह रहे हैं बुलेट से बड़ी है कि नहीं। बहुत ही बढ़िया सनसेट हो रहा है यार, कल तक पहुँच जाएंगे मुंबई। बहुत सारे विजिटर आ गए भाई हमारी बाइक देखने। दीप भाई ड्रोन की ट्रेनिंग देते हुए,
कि भैया ड्रोन ऐसे उड़ाते हैं, ऐसा व्यू आता है। ट्रेनिंग स्कूल खोल दे, ट्रेनिंग स्कूल। रंग अगर देखने हैं तो निकलना तो पड़ेगा, सोने सा चमकना है तो जलना तो पड़ेगा, घर बैठे सफर पूरे नहीं होते, जाना है दूर अगर तो चलना तो पड़ेगा। अपनी चाय पीते हैं और क्या बढ़िया नज़ारे हैं यार, मस्त। चलो भाई अब बाइक खींचते हैं, तड़तड़ शाम होने वाली है। ये टाइम अच्छा होता है यार जब आप थोड़ा मौसम भी अच्छा हो जाता है, टेम्परेचर देखो 38 से 33 पे आ गया, सो इट्स काइंड ऑफ गुड टाइम। और हम भी इंजॉय कर रहे हैं और क्या, रास्ता ही तो इंजॉय करने आए। पीछे देखो व्यू कितना बढ़िया है, सनसेट होने वाला है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा और फिर अंधेरे में तो मज़े आते हैं बाइक चलाने में, रोड खाली हो जाएगी। बट आप लोग यार देखो नॉन स्टॉप राइड ऐसा है कि आप लोग इंजॉय करो, बट आप लोग नॉन स्टॉप राइड ज़्यादा मत लगाओ, क्योंकि ज़्यादा क्या मतलब, देखो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से होता है हर कुछ। मैंने पिछले 2-3 सालों में बहुत सारी राइडिंग करी है, अराउंड 70,000 किलोमीटर्स टू भी मेरी ना वहाँ से कैपेसिटी बन गई है अच्छी। तो आप लोग पहले अपने शरीर को समझो, अपनी कैपेसिटी को समझो, अपनी बॉडी को समझो, तब अपने हिसाब से काम करना है ना। हमारी राइड्स आपके इंजॉयमेंट के लिए हैं। तो क्या बात है बुलेट वाले अंकल जी, अरे बच गए भाई, बुलेट वाले अंकल जी बच गए बिना, नहीं बुलेट वर्सेस बुल हो जाता आज। ऐसो मत करो ट्रैक्टर वाले अंकल जी। एनीवेज ये शहर जो है ये है मथुरा, मतलब मथुरा नहीं, मथुरा आगे जाके राइट में है, हम शायद सीधा निकल जाएंगे, तो मथुरा अपन घुसेंगे नहीं, बाईपास करते हुए निकल जाएंगे। और एक हर्डल पार, अगला हर्डल है आगरा। दिख रहे हैं आ रहे हो तुम? इनसे बोल रहा हूँ, ऑटो वाले भैया लोग डिस्कस कर रहे हैं, भैया आपने कैमरा चला लिया, हम आ रहे हैं आपके कैमरे। मैंने कहा आ रहे हो भाई, बस ठीक, लेफ्ट से आ जाओ बिल्कुल बेरिंग के साइड से। ओ भाई जाम ही जाम, तगड़ा जाम। तो अपन उठाएंगे बाइक होने का फायदा, सारी गाड़ियाँ राइड में जाम में फंसी हैं, अपन निकले चले जा रहे हो, ये बोलते ही भी नहीं कि ऐसा ना हो आगे हम भी रुक जाएं जाम में फंस जाएं। कैमरा मैन जल्दी फोकस करो भाई, आगे आ गए हैं पूरे बादल, टेम्परेचर हो गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड और क्या मस्त माहौल हो रखा है जिसको, देखो क्या बढ़िया सनसेट हो रहा है, जिसको बोलते हैं दिल खुश कर देने वाला। और अपन चले जा रहे हैं तूफानी स्पीड से। तो भाई अपना कानपुर है 310, क्या बात, आगरा रह गया सिर्फ 25, 181 किलोमीटर का सफ़र पूरा हो गया है। और भाई जबरदस्त जिसको बोलते हैं मुंबई, अब रह गया सिर्फ और सिर्फ 1221 किलोमीटर, बहुत दूर भाई, बहुत दूर है, कोई ना पहुंचेंगे। बारिश ने हमारा स्वागत कर दिया, एंड लुक एट द ग्रीनरी, इतना ग्रीन पैच है ना ये, ओहो मेरे बाबू मुझे आ रहे हैं बेहतरीन, बिल्कुल हरा हरा हरा। ऐसा है सेफ्टी कर लेते हैं क्योंकि अभी राइड शुरुआत हुई है, अब हो गई है तेज बारिश, तो अपन क्या करेंगे रेन कवर पहन लेते हैं और गोप्रो थोड़ी देर के लिए अंदर रखते हैं। बारिश हल्की हल्की हो रही है, इतने सन देखो आप, मतलब इतना सुंदर दिख रहा है ना, इसकी कोई लिमिट नहीं है, मस्त इस समय सुंदर हो रखी है पूरी रोड बेहतरीन। दस किलोमीटर पहले अगर हम लोग पेट्रोल भरा लेते, एनीवेज हमने गोप्रो लगा लिया है, पेट्रोल पंप में रुके हैं, बारिश हल्की हल्की हो रही, 10 किलोमीटर पहले पेट्रोल भरा लेते तो 12 रुपये सस्ता पेट्रोल था यूपी में, एमपी में 109 रुपये, यूपी में 96 समथिंग। तो कोई ना चलते हैं, 260 किलोमीटर चला चुके हैं, कंटिन्यूस बारिश हो रही है, तो हमने सोचा है ग्वालियर अभी यहाँ से 60 किलोमीटर से 60 किलोमीटर, तो क्यों ना ग्वालियर में ही चल के डिनर किया जाए। ये देखो हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है कंटिन्यूस, हमारी राइड में बारिश का प्रकोप ना हो ऐसा हो सकता है। देखो पानी गिरने लग गया, कट 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 कट,
लेकिन भैया टिल नाउ जर्नी जस्ट वाओ, मौज फुल फुल चल रही है, एंजॉय हम फुल कर रहे हैं। देखने में दिक्कत हो रही है, वाइजर में ना बहुत ज़्यादा वो भर रहा है मॉइस्चर और पानी, बट क्या ही कर सकते हैं, चलना तो पड़ेगा भैया। तो ऐसी बारिश है कि ना आपको भीगने दे रही है ना आपको सूखने दे रही है बीच की बारिश है। अभी के टाइम के हिसाब से अपन 4:30 बजे कल शाम में मुंबई पहुँचेंगे। बार बार वाइजर देख रहे हो, साफ़ करना पड़ रहा है, स्पीड नहीं बन पा रही है। अभी पेट्रोल पंप वाले भैया से पूछा, कल तक कोई बारिश नहीं था, बिल्कुल सूखा पड़ा था यहाँ पे, अब आज हम आ रहे हैं तो कैसे नहीं होगा बारिश, बड़ा दिक्कत। हमारा प्रेम है भाई अलग। भाई फाइनली 2 घंटे बाद हम लोगों को ऐसी रोड मिली है जिसमें पानी नहीं है, रोड सूख चुकी है और अब हम जो है बारिश से थोड़ा थोड़ा बच चुके हैं। ग्वालियर सिर्फ और सिर्फ 40 किलोमीटर रह गया है और अपन अपना डिनर जो है ग्वालियर में ही करेंगे आज। तो पहला स्टेट हमने क्रॉस कर लिया है, अपन पहुंच चुके हैं हरियाणा से यूपी और यूपी से मतलब तीसरा स्टेट है ये मध्य प्रदेश। मारो मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान का दिल। देखो भाई सैडलिंग करके हम लोग पता है कोई मजा नहीं ले रहे हैं, हम लोग अभी अपना पैंट सुखा रहे हैं बस पीछे से। गाए कूल गाए साइड में बैठी है क्योंकि भाई हमारा पैंट जो है पिछवाड़े तक भीग चुका है ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। हाँ अभी तो राइड शुरू ही चुकी है, और अभी तो राइड शुरू ही हुई भाई, बहुत चलना है अभी तो, क्योंकि जब तक हम रेन लाइन आलसी इतने भाई, जब तक रेन लाइनर पहनते हैं तब तक आधा पैंट भीग चुका होता है। HDFC बानमोर ब्रांच, बानमोर नाम की जगह है ये, आई थिंक कोई कस्बा है, ठीक ठाक बड़ा है। लो जी यहाँ से पकड़ लिया अपन ने आगरा मुंबई नेशनल हाईवे जो हमारा मेन था, गुना है 218, ग्वालियर 19 और मुंबई यहाँ से है 1094। काफ़ी देर से हमने ब्रेक तो नहीं लिया है बट हम थोड़ा अभी चलाएंगे यार, रुकेंगे नहीं, जितना रुक जाओ फिर उतना ही स्लो होती जाती है। भाई अभी एक आगे ओला एसन वाले भाई जा रहे हैं, हमने उनको थोड़ा साइड बोलने को दी तो बुरा मान गया भाई, तो जो है विनय से रेस लगा ली उनने, पहले जाने दिया भाई जाओ, जाओ भी थोड़ा दूर आ जाके बैटरी खत्म हो जाएगी तब चलाओगे उतनी बैटरी खत्म, तब खड़े हो जाओगे जाके, भैया भूल गए कि उनकी बैटरी चल रही है, हम लोग तो पेट्रोल से चल रहे हैं। ये है वो भैया, देखो ये भाई इसके साइड में ले रहा हूं, उसे स्पीड में निकालेगा, देखो आगे आएगा। ओ नाइस, अरे भैया बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, भैया नहीं मान रहा, बाकी सब ठीक है। ये देखो भैया जो सामने आपको शहर दिख रहा है ना, ये है ग्वालियर और हम लोग उसको पूरा पूरा बाईपास कर गए। ये देखो कितना सही दिख रहा है देखने में, दिख रहा है ओ भाई, ऊपर पीछे पहाड़ है और पूरा शहर बिखरा पड़ा है, मस्त है यार, सुंदर है, ऐसा लग रहा पहाड़ पे आ गए किसी टाउन में, जल्दी पहाड़ों में ऐसे टाउन दिखते हैं। एनीवेज अपन ग्वालियर क्रॉस करते हैं, 325 किलोमीटर हो गए, बहुत देर पहले रुके थे जब हमने ड्रोन उड़ाया था, चाय पी थी तब से, बस एक बार रेन गियर्स पहनने के लिए रुके थे तब से अपन रुके नहीं है। और MP में आके यार एक सबसे बड़ी दिक्कत का जो हम सामना कर रहे हैं ना रात में, वो ये है कि देखो कैटल्स बहुत ज़्यादा हैं रोड पे, पीछे कैमरा बंद था तो आपको दिखा नहीं पाया, बहुत ज़्यादा हर 5 मिनट में कैटल्स आ रहे थे। चलो भाई 4 घंटे की 3-4 घंटे बाइक राइड करने के बाद हम फाइनली आ गए अपने डिनर पॉइंट पे, प्रिंस मामा होटल। अरे एक और राइडर हमें यहाँ मिल चुके हैं, दिल्ली के ही हैं, कोई एक्सपल्स लेके आए। बाइक के हालात देखें जरा क्या है, काफ़ी ख़राब है। फाइनली बाइकें हमारी धुली धुलाई हो चुकी हैं, इतनी गंदी, विनय बाबू के हाल साफ सुथरे हैं, क्या गंदा है। एक और राइडर हमें मिल गए एक्सपल्स वाले भैया, और टाइम हो गया एग्जैक्टली 9 बज गया, खाना हमने ऑर्डर कर दिया, एक दाल तड़का, एक कढ़ाई पनीर, नहीं पनीर 2 प्याजा, तवा रोटी और बूंदी रायता, और खाना ठीक ठीक है। अच्छा होटल है ये प्रिंस मामा होटल करके, मस्त मस्त वो सब खाते हैं और मस्त मस्त निकलते हैं। भाई 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 अजियो अजियो मेरे लाल, भौंकना मत जब हम जाएं, ठीक है। तो गर्मी यार बिना है नहीं, देखो फैन नहीं चल रहा फिर भी गर्मी नहीं लग रही ना। चलो भाई हमारा डिनर आ गया, चक चक बंद कर दोगे ऐसा करोगे, पर हमारा वीडियो कैसे बनेगा यार, खाने का? हाँ वीडियो खाने के बाद बना लेना, वीडियो खाने के बाद तो खाना तो दिखाना पड़ेगा ना। अच्छा कीड़े आ रहे हैं क्या? रहन दो, बंद रहन दो, ठीक है भाई, कीड़े आ रहे हैं ना, हम ज़्यादा खाना दिखा नहीं पाएंगे, ये हमारी बाल्टी में दाल है, कटोरी में सब्जी है और बूंदी का रहता है, इसीलिए तो बंद कर दी। बहुत बढ़िया किया आपने, ब्लॉग भैया बिना ब्लॉग के काम कैसे चलेगा। बारिश तो अभी नहीं हो रही है, क्या रात का माहौल, अब क्या ही बताएं आपको, मतलब अपना डिनर हो गया, पेट पूरा भर गया, तो बस यार अब यहाँ से निकलते हैं और कम से कम 150-200 किलोमीटर बाइक चलाते हैं, कोई काम रह नहीं गया, पानी हमने ले लिया है, पेट हमारा भर चुका है और अभी भी किलोमीटर्स बहुत दूर हैं, तो ये जो टाइम बढ़ गया है इसको थोड़ा कम करते हैं अपन। अभी तो रोड खैर सिंगल रोड है तो ये भी एक दिक्कत है,
सामने से जब वो विनायक आया, देखो ये दिक्कत है यहाँ पे, देख रहे हो बैल बैठा है, ये सबसे बड़ी समस्या। तो भाई ओए, अब यहाँ से आ गया आई थिंक हमारा डबल लेन हाईवे, अब आएगा मज़ा। जिस पल का इंतज़ार हम पिछले 6 घंटों से कर रहे थे वो अब आया है। आप कंफर्टेबली बाइक चलती रहेगी अपनी, और भी मज़े यार इतने आ रहे हैं ना, मतलब बता नहीं सकता हम लोग कितने खुश हैं भाई। अब तक की जर्नी के लिए बोलना तो पड़ेगा, टिल नाउ जर्नी इज जस्ट वाओ। भाई यार इनसे बहुत परेशान हो गए हैं यार, अभी तो एक जगह पे लाइन से कम 20 गाय बैठी थी और डर गया मैं देख के, ये थोड़ा डराने वाली बात है। बाकी तो रोड बहुत ही बढ़िया है अभी, और अभी दिखा रहा है कि अगले 65 किलोमीटर आपको बिल्कुल ऐसे ही रोड पे चलते चले जाना है, और क्या चाहिए ज़िंदगी में बताओ। भाई क्या है ये विनय बाबू, क्या है ये, ऐसा लग रहा है हम लोग क्या नहीं है, क्या ही हो रहा है भैया। ये देखो पूरे हाईवे में सिर्फ वो भाई साहब विनय, ये तो गेम हो गया BMW का ज़िगज़ैग वाला, वो भाई साहब ऑफरोडिंग वाले ट्रैक, ऑफरोडिंग ऐसे यहां से ऐसे ऑब्स्टेकल्स है भैया, इनको क्रॉस करके निकालो भाई। अभी अपन रुके, बारिश होने लग गई थी तो हम लोगों ने रेन गियर पहने और GoPro अपना अंदर रख लिया था, इसलिए आपको ज्यादा फुटेज नहीं दिखाया। और विनय कह रहा घाट सेक्शन से पहले खाट सेक्शन करना हम लोग। तो पहले खाटों पर लेटेंगे, बढ़िया ढाबे पर रुके हैं, मस्त सा किलोमीटर्स हमने कवर कर दिए हैं, अभी आपको दिखाते हैं 10,000 किलोमीटर पूरे हो गए भाई बाइक के। बधाइयाँ 518.5 टाइम हो रहा है, 12:20 बेहतरीन। तो विनय बाबू मज़ा आया इस राउंड में, काफ़ी बढ़िया राउंड था है ना। अभी ये पन्नियाँ उतार लें अपनी बारिश भैया, हमें और बारिश ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। तो वो अपने बदन की पन्नियाँ उतारते हैं, ऊपर का तो उतार दिया, नीचे का ये उतार लेते हैं। दिन महीने साल बस यूं ही निकल जाएंगे, मुड़ के जब देखेंगे वापस बस यही कुछ पल याद आएंगे। भाई हमारे निकलते ही ढाबा ही बंद कर दिया अंकल जी, सोने का टाइम हो गया उनका। भाई हवा एक्चुअली में ज़्यादा ठंडी लग रही है, 25 डिग्री टेम्परेचर है। चलते हैं, रात है अभी, 880 किलोमीटर पड़े हैं और क्या करना है, बाइक ही चलानी है बस। तो भोपाल इज़ 154, बीनागंज 3 किलोमीटर, बिग्यावरा 36, सारी रोड है और बिल्कुल भागम भाग अपनी बाइक चल रही है, कोई टेंशन नहीं। बबलू भैया बिल्कुल भैया हम बबलू वाला परफॉर्मेंस दे रहे हैं, दिल खुश वाली वाइब्स जो है इस समय चल रही हैं सड़क पे। दिन में नज़ारे चलते हैं, रात में इमोशंस और वाइब्स चलती हैं रास्ते पे, ये फ़र्क है दिन और रात का। मतलब एक आप ना अच्छी रोड आ रही होती, खाली रोड होती, आप सेट हो जाते हो, आपको ना बस इंजन की आवाज़ सुनाई दे रही होती कि हाँ इंजन चल रहा है और कुछ नहीं, अंधेरा गुप अंधेरा, तब आते हैं राइडिंग के असली मज़े। एनीवेज अपने 600 किलोमीटर भी पूरे होने वाले हैं, बेहतरीन। ये भाई अपने को रेस्ट, थोड़ी देर अपन रेस्ट मारेंगे, यहाँ खाट सेक्शन है तो सही भी नहीं, चलो आ जाओ। चलो भाई थोड़ा रेस्ट मारते हैं यार, थकान काफ़ी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि ये देखो बिना यहाँ लेटा है, अपन यहाँ लेटे थोड़ी देर मारते हैं रेस्ट। टाइम हो गया अभी एग्जैक्ट 3:51, थोड़ी देर सोते हैं और ना भाई। टाइम हो गया सुबह का 5:50, ऐसी भयंकर बारिश हुई ना 2 घंटे, बाप रे जिसको बोलते हैं, तो सुबह होने वाली है पूरी, एक एक बिल्कुल भीग गई, हम लोग मजबूर हो गए, कोई रास्ता नहीं था। सोए तो 1 घंटे लेकिन बाद में 1 घंटे बैठ रहे, अभी भी ड्रिजलिंग हो रही है, तो रेस्ट मार लिया अपन ने, अब निकलते हैं। ये देखो दिख रही है काफ़ी तेज़ ड्रिजलिंग हो रही है, बाकी अभी भी बिल्कुल भयंकर वाली बारिश, ताबड़ तोड़ प्रेडिक्शन कुछ ज़्यादा ही हो गया। बारिश के बीच में एक बार फिर से सफ़र को जो है आरंभ करते हैं।
हमेशा वो होता है जो हम कभी नहीं सोचते। प्रिडिक्शन है कि मुंबई तक ऐसे ही बारिश हो जानी है यार, ये तो ज्यादा हो गया मतलब उम्मीद से। एनीवेज हमारा टाइम सुपर लेट हो गया है, 4:30 से 7:30 हो गया हमारा एस्टिमेटेड अराइवल टाइम। बट लुक एट द व्यू, कितना सुंदर व्यू आ रहा है, वाह बेहतरीन जिसको बोलते हैं। भाई अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा घाट सेक्शन से जा रहे हैं, और अगर आप सामने बादल देखो तो पता नहीं मतलब हमें तो डर सा लग गया कि आगे क्या होने वाला है बिल्कुल भी। बाप रे, देख रहे हो जहर, राइट पे देखो विंड मिल दिख रही है आपको, ये क्या बात है, बेहतरीन। भाई हमारे राइट में जो शहर है दिख नहीं रहा होगा आपको, वो उज्जैन है। हम बाईपास से उज्जैन को क्रॉस करते हुए चले जा रहे हैं। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, हम आपको ज़्यादा नज़ारे नहीं दिखा पा रहे हैं, सनराइज़ का हम ड्रोन फुटेज नहीं उड़ा पाए। और अब ब्रेकर आ गया विनय, और विनय के साथ अच्छा ये हो रहा है कि विनय धीरे धीरे जो पानी की बूंदें हैं वो विनय के काफ़ी इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट्स में पहुँच रही हैं, पहुँच चुकी हैं ऑलरेडी। और विनय के आई डोंट नो कि ऊपर वाला रेन गार्ड फेल हुआ है या नीचे वाला पैंट फेल हुआ है, बट कुछ तो हुआ है। अरे भाई आवे स्विमिंग पूल, पैर ऊपर करते हैं पहले तो, अरे चौथे गियर में लगी, दूसरे में लगाते हैं पहले तो। अब तो जो भी थी लग गई, दिक्कत ये है बस बगल से कोई तेजी से ना निकल जाए, वो दिक्कत है। भाई मैं आपको बता नहीं सकता सूखने के बाद हम लोग कितना अच्छा फील कर रहे हैं, मतलब 2-2.5 घंटे बाद हम लोगों को सूखी रोड मिली है, मौसम थोड़ा ऐसा लग रहा है कि आगे खुलेगा। और मतलब सही में बहुत हार्ड होता है यार बारिश में बहुत देर तक राइड करना, देखो वाइजर गंदा है, साथ में व्लॉगिंग भी करना है तो ना थोड़ा मुश्किल हो जाती है। ओए ब्रेकर में कूद गई, लेफ्ट से आना बिना, अभी एक बिल्कुल नई दुर्घटना हुई है हमारे साथ। टूट गया या निकल गया, हाथ में आ गया मेरे। मतलब उल्टे सीधे कर्म कांड जो होने होता सब मेरे साथ होने ना, ये पूरी पूरी राइड हो गया यार, हाथ बचा रखी है। मैंने हजार जला लेना ठीक है। नहीं मैंने ये फिट नहीं हुआ अभी, गया पीछे से भाई, बहुत तेजी में बारिश आ रही है। वो विनय ऊंट आ गए। कुछ भी आ जाता है यार, ब्रेकर ब्रेकर ब्रेकर। ये तो कभी नहीं सोचा था ऊंट रोड क्रॉस करेंगे हमें, शौड़ी शौड़ी। अरे भाई एक तो रुकी गया। अरे भैया चलो भैया, कैसे रास्ता ब्लॉक कर रहे हो भाई इतने। भाई ये है नर्मदा नदी, देख रहे हो कितना पानी है, और बहुत ही प्यारी और सुंदर हो रखी इस समय बिल्कुल। वाह यार मस्त बिल्कुल। अरे बीच में पता नहीं क्या दो पिलर जैसे खड़े हैं, मेरे को समझ नहीं आया। बारिश में भाई नदियाँ अलग ही सुंदर दिखती हैं, और वो आई थिंक ट्रेन का ब्रिज है। भाई कभी सोचा करता था मैं कि ये जो रूट है ना मुंबई वाला, ये कभी जाऊंगा भाई, इतना सुंदर है ये मेरे को पता नहीं था। बेहतरीन व्यूज हैं, दिल खुश हो गया, मैं भूल गया कि बारिश में भीग चुके हैं हम लोग, दिक्कतें हुई, बाइक ख़राब हुई, कोई लेना देना नहीं भाई, सपना पूरा हो रहा है और क्या चाहिए। एंजॉय एंजॉय, रोड अभी तो अच्छा है। 925 किलोमीटर हम लोग बाइक चला चुके हैं, और अभी रह गया है 472 किलोमीटर अभी और है हमारा होटल जो है मुंबई का। मेन्यू तो इतना बड़ा है कि इतनी दूर से हाईवे से दिख जाए क्या लिखा है। लो भैया लग गई अपनी बाइक, आई थिंक हम पहले कस्टमर होंगे इसके आज के। नाश्ता वगैरह मिल जाएगा, अपने हाल देखो, टी शर्ट सब बिल्कुल गंदी हो रखी है, यही लाइफ है यार, चलता रहता है सब कुछ। तो भाई हमारा तो आ गया ब्रेकफास्ट, विनय का भी आया नहीं है, आता है फिर खाते हैं, आ जाओ। वैसे जगह बढ़िया है विनय ना, ये मस्त है यार। सर एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, ये जो है ना मिडवे ट्रीट, ये कई जगह गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने बनवाए हैं, जैसे ये जुलवानिया का है यार, बहुत सही चीज़ है ये, बढ़िया खाना, बढ़िया वॉशरूम्स और सही प्राइस। बाकी अपन निकलते हैं यहाँ से, अभी भी मुंबई बहुत दूर है रे, 9 घंटा दूर है। तो जी सामने पेट्रोल पंप है, पेट्रोल भरा लें। एक्चुअली दिक्कत क्या है ना, मेरी बाइक में रेंज है 500+, विनय की बाइक की रेंज में 350, तो हमें 350 पे ही रुकना पड़ता है, तो जब वो भराता है मैं भी भरा लेता हूँ साथ ही में। आई थिंक हम चौथी बार पेट्रोल भरा रहे हैं, इस बार आपको बताते हैं कितना माइलेज एवरेज दे रही बाइक, तो कितना पेट्रोल लगेगा। 24.3 किलोमीटर पर लीटर, तो इसको 24 मान लेते हैं, हाँ जी। तो 1400 किलोमीटर टोटल हम कवर करेंगे, और 24 का माइलेज है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना आएगा, कितना लीटर आ रहा है। 1400 को 24 से अगर डिवाइड करें पता नहीं कितना आएगा, बस उसमें 107 का मल्टीप्लाई कर लो, तो टोटल जो प्राइस है वो इतना है, तो इतने का फ्यूल लगा है हमारा एक साइड जाने का।
लो जी भैया, अपन ने मध्य प्रदेश क्रॉस कर लिया और अब अपन एंट्री मार गए हैं या मरने वाले हैं महाराष्ट्र बॉर्डर पे, क्योंकि ऐसे ट्रक लगे हों तो समझ लो कि ये चेकिंग हो रही कस्टम वस्टम की जो भी होती है, जीएसटी वीएसटी की स्टेट जब चेंज होता है। तो अपन आ चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन वाले स्टेट में जो कि है महाराष्ट्र। लेकिन महाराष्ट्र में भी हमें अभी काफ़ी डिस्टेंस कवर करनी है, टू बी एग्जैक्ट 440 बोर्ड का झटका भी और लगाना अपने आपको। एक अपन पहुँचेंगे महाराष्ट्र में अपने फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि मुंबई। हियर वी कम मुंबई। बारिश सिर्फ हमारा ये वेट कर रही है कि कब ये लोग जैकेट उतारे हैं अपनी रेन लाइनर और कब हम बरसे। 10-15 मिनट चले फिर से बारिश स्टार्ट। मैं और विनय अभी बात कर रहे थे कि ये हमारी पहली राइड है जिसमें हमने 5 बार राइडिंग गियर्स पहने हैं, अभी तक रेन गियर्स पहने हैं उतार के फिर रख के उतार के, और ये पहली राइड है जिसमें हम कंटिन्यूसली पिछले 12 घंटे से बारिश में ही बाइक चला रहे हैं। देख रहे हो बारिश कैसी हो रही भाई, ये तो खतरनाक है, ये पहुँच गई लेवल। तो भाई अभी अपन निकल रहे हैं कालघाट घाट एरिया से एंड बहुत ही सुंदर है, बस बारिश है, नहीं तो ड्रोन उड़ा के आपको बेहतरीन दिखाते। और ब्रेक उछल गया पानी, उसके बाद पता नहीं कहाँ से पहाड़ों से बह बह के पूरा पानी आ रहा है रोडों पे। 1009 किलोमीटर हमने पूरे कर लिए हैं और ये एक खुशी की बात है, मतलब प्राउड मोमेंट है। जब हमने स्टार्ट किया था कैसा पहाड़ जैसा था टारगेट, कितना किलोमीटर है। धीरे धीरे पेशेंस के साथ आप चलते जाओ मेहनत के साथ परसीवरेंस के साथ तो आप जो है पहुँच जाते हो जहाँ आपको जाना है। यही जिंदगी की भी कहानी है, यही भैया सफ़र की भी कहानी है। और अब तक मैंने जितनी भी राइड्स लगाई ना, ये सिर्फ छठी राइड है जिसमें मैंने 1000 किलोमीटर से ज़्यादा चलाई है। उससे पहले सिर्फ 5 राइड ऐसी हैं, 5 दिन ऐसे और थे जब मैंने एक दिन में कंटिन्यूस 1000 किलोमीटर से ज्यादा बाइक चलाई। मुंबई 333, नासिक 155। तो हमारा अगला जो डेस्टिनेशन है वो है नासिक। लंबा है सफर जिंदगी का लेकिन ठिकाना कहीं नहीं, चलना तो है रोज का लेकिन जाना कहीं नहीं। कोई भी वो स्टार अपने बबलू भैया ही है, सारे लोग फोटो खिंचानी है बबलू भाई पे। बढ़िया खिंचा लो भाई, खिंचा लो, एक नहीं दो खिंचा लो भाई। थोड़ा शोर आ रहा है पीछे, गाने बज रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते। शुरुआत हमने करी पापड़ के साथ। कैसा विनय पापड़, बढ़िया सही है? चलो सही है, पापड़ खाते हैं। और ये देखो विनय ब्रिस्लेरी ब्रिस एक्सल आई मस्त। एनीवेज हमारी चाय आ गई है, लेकिन हमें समझ ये नहीं आ रहा विनय जब ये काली कैसे उतरेगी। जब हम लोग बैग लेके होटल में उसमें चेक इन करेंगे, होटल वाला कहीं मना ना कर देगा साला कि भैया ऐसे चेक इन नहीं, कहाँ का धूल मिट्टी लेके। मतलब देख रहे हो कलर ही नहीं समझ में आ रहा है एग्जॉस्ट का, ये बैग का कैसे क्या होगा। थोड़ी देर के लिए मौसम मेहरबान हो गया है, हमारा एस्टिमेटेड अराइवल टाइम जो है वो बढ़ के हो गया है 8:36। आज मतलब ऐसा हो रहा है कि पता नहीं क्या ही हो रहा है, मेरी समझ से बाहर हो गया। बारिश बंद थी तो हमने रेन कवर्स उतार दिए हैं पैरों का और ऊपर का भी, देखते हैं कितनी देर जो है चल पाते हैं ऐसे। भाई काफ़ी देर बाद हमें ऐसी रोड मिली है जो कि सूखी है, थोड़ा उजाला हमें दिख रहा है और मतलब कुल मिला के ये वो रोड है जो हमें चाहिए थी कल से। एंड अब हम कॉन्फिडेंटली इसमें बाइक चला पा रहे हैं मज़े में जिसको। ये भाई अब तक की राइड का सबसे तगड़ा स्पेल है बारिश का विनय। भयंकर बारिश, मूसलाधार बारिश, जैसे जैसे मुंबई के पास जा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि भाई मज़ा आने वाला है, कुछ भयंकर होने वाला है। यह पानी ठंडा ठंडा, विनय ने तो नीचे पैंट भी नहीं पहना राइडिंग वाला रेन पैंट। तो भाई ये जो शहर अपन क्रॉस कर रहे हैं, आप हमारे लेफ्ट में देख रहे हो, राइट में एक फ्लाईओवर देख रहे हो, ये है नासिक, बहुत बड़ा शहर है। एग्जैक्टली हम थोड़ा सा बाईपास करके निकल रहे हैं तो बिल्कुल शहर के बीचों बीच नहीं निकल रहे हैं। राइट में बहुत बड़ा नासिक शहर है, लेफ्ट में तो आई थिंक कम है, पता नहीं एग्जैक्टली, बट मैप में राइट में दिख रहा है। और भाई क्या मौसम है, यहाँ माहौल है, यहाँ बारिश नहीं हो रही है, खुशी की बात ये है। और अपन एंजॉय कर रहे हैं 1229 यानी कि 1230 किलोमीटर लगभग हमने बाइक चला ली है। और भाई क्या बताएं, हालत थोड़ी सी पतली तो हो गई भाई, देखो सच बोलेंगे झूठ नहीं बोलेंगे, मेरी भी और विनय की भी। मुंबई यहाँ से रह गया है 166 किलोमीटर। नासिक वाले भाइयों को हाय हेलो। मुंबई 154, 132, इगतपुरी 33, क्या बात है, प्लेजेंट वेदर है भाई, इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, मज़े से आ रहे हैं सीरियसली। और भाई राइट और लेफ्ट का व्यू देखो, क्या सुंदर व्यू है भाई, पूरे घास के मीडोज हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं ना देखने में कसम से, वाह यार
ये देखो लेक और पूरा ऐसा फ्लैट ग्राउंड सा है, वो बहुत सुंदर है यार ये नासिक के आगे तो। महाराष्ट्र की ब्यूटी बिल्कुल अलग है, देख रहे हो कैसा बिल्कुल गाढ़ा हरा, बिल्कुल डार्क ग्रीन हो रखा है। लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू मैन। ये जो था हमारा व्यू ऑफ द डे था, एंड आई होप ये व्यू ऑफ द ट्रिप भी होगा। बहुत ही सुंदर नज़ारा। हमारे पास आधा एक घंटा होता था, हम वहाँ ऊपर जाते जहाँ वो बंदे लोग चढ़ रहे हैं, बट स्टिल नहीं चढ़ सकते। टाइम हो गया हमारा 8:38 भी ने, बट ठीक है यार, ये देख रहे हो ना, ये देख रहे हो, आप कोई लेना देना नहीं टाइम से भैया। अब हम महाराष्ट्र इंजॉय करेंगे, महाराष्ट्र की जो खूबसूरती है ना उसको एक एक करके निहारेंगे और इंजॉय। बहुत सुना था कि बारिश में महाराष्ट्र बहुत सुंदर हो जाता है, आज देख लिया भाई आंखों से, मानना पड़ेगा हैं, और मान लिया भाई 100% मान लिया, 1 रुपए का भी इसमें झूठ नहीं है। चलो भाई इन खूबसूरत नज़ारों को बाय बाय बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं मुंबई की तरफ। हमारा अल्टीमेट टारगेट तो वही है, हमें मुंबई पहुँचना है। थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं क्योंकि भाई हमें पहुँचना है मुंबई। ओ भाई ऐसी ठंडी हवा है ना, जन्नत। 24 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है इस समय। बड़ी स्पीड में उड़ गई। अरे खाली रोड दिखी, बीम में रोड़ी। बबलू भैया फिर कहाँ मानते हैं भाई, ये देख के तो मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली NCR में ना जनवरी में कड़ाके की जब ठंड होती है ना, ऐसा फॉग आता है वहाँ पे। हजार जला देते हैं भाई, हजार जला देते हैं, खतरनाक विनय यार। यहाँ तो सफर का फल धुंधला होता जा रहा है। लोग क्रॉस कर रहे हैं। हाँ सही में स्लो चलेंगे, बट व्हाट अ व्यू मैन, व्हाट अ व्यू। सितंबर में कोहरा, क्या बात है यार। तो भाई सर्दियाँ ठंड लग रही है मेरे को बिना लिटरली। हाँ। भाई ये तो बहुत ज्यादा हो गया यार, ये तो हमारे दिल्ली NCR की दिख नहीं रहा है। अरे भाई साहब नेक्स्ट लेवल, एक ही राइड में यार क्या क्या देख लिया। ये सिर्फ महाराष्ट्र में देखने को मिल सकता है भाई। जन्नत है भाई जन्नत, ये रोड जन्नत है। जिसको बरसात में एंजॉय करना हो, नासिक से चला है मुंबई, आप तो बोलना बनता है। Now, जर्नी जस्ट वाव। हमारा होटल अब एग्जैक्ट 100 किलोमीटर रह गया बिना यहाँ से, व्हाट एन अचीवमेंट। 1300 किलोमीटर अपने बाइक चला ली है, 1300 किलोमीटर बिना मजाक नहीं। अरे भैया निकल जान दो, मैं 1300 किलोमीटर भैया वो बारिश पे, ये भी बोलो ताबड़ तोड़ बारिश में 1300 किलोमीटर चलाई है भाई। ओ भाई अंधेरा होने वाला है, अंधेरा आखिरी पहर दिन का। और अभी अपन नासिक और मुंबई के बीच में ही है, हमारा होटल जो है अब जस्ट 62 किलोमीटर रह गया है, एंड इट्स शोइंग 1 hour 41 minutes, यानी कि मुंबई में तगड़ो जाम मिलने वाला है तगड़ो। 1300 से ज़्यादा किलोमीटर हमने चला लिए हैं, बस अब इंतजार है कब हम होटल पहुँचे और कब हम खाना खाएँ और लेट के सो जाएँ। फाइनली एट 7:45 बारिश के बीच में अपन पहुंच गए हैं मुंबई, क्या बात है क्या बात है। अभी होटल हमारा दूर है, लेकिन भाई तमाम दिक्कतों के बावजूद हम पहुंच गए। सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये है, क्या ही बताएं आपको दिल की क्या फीलिंग्स चल रही हैं। हमने पता है क्या सोचा था कि हम 23-24 घंटे में मुंबई पहुँच जाएंगे, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, एंड आई थिंक 26-27 घंटे लगे होंगे मेरे हिसाब से। और अभी रुकते भी तो बहुत होते आते हैं, हम लोग की भी ड्रोन उड़ाना है कहीं थोड़ा ये ब्लॉगिंग के काम से, नहीं तो बहुत तेज आ जाए अगर सिर्फ चला के आना हो, बट स्टिल यार मजा आ गया। पहुंच गए अपन सपनों के शहर मुंबई। कहते हैं शहर में लोग नहीं सपने रहते हैं,
और आज यहाँ आके एक सपना हमारा भी पूरा होगा।